तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाने का फैसला मुश्किल था। मुश्किल तरीन हालात में भी 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया। कोरोना से निपटने के लिए 106 अरब रुपए रखे गए। वक्त और हालात देखकर पॉलिसी बनाएंगे। हर महीने बजट इजलास का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑरेंज लाइन ट्रेन 300 अरब का सफेद हाथी करार। ट्रेन चलाने के लिए 9 अरब रुपए खर्च करना होंगे। सब्सिडी ना दी गई तो फीस सवारी को 250 रुपए अदा करना होंगे। कोरोना मजीद फैला तो प्लान बी और सी की तरफ जाना होगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने खतरे की घंटी बजा दी। तिबी अमले ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अहम किरदार अदा किया। फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स को सहूलियात ना मिलने से काम नहीं हो सकता। दूसरे शहरों में लैब्स फाल होने से लाहौर में मरीज कम आने लगे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का तकरीब से खिताब। और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिलेक्टेड लॉकडाउन। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी होने से कबल ही इलाके सील करना शुरू कर दिए। 3 घरों से केसेस सामने आने पर यूसुफ रोड, अब्दाली चौक, इस्लामपुरा सील। इंतजामिया ने इलाके की तमाम मार्केट्स बंद करवा दी। गलियां, कनातें, बैरियर्स और खारदार तारे लगाकर सील। पुलिस अहलकार तैनात। इलाका मकीन 2 हफ्तों के लिए घरों तक महदूद। खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए घरों से बाहर जाने की इजाज़त होगी। किराना और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे।